हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिपेयर करके दिखाऊंगा इस स्टेबलाइजर को, और इस स्टेबलाइजर को किस तरह से ठीक किया जाता है, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। और उससे पहले कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ कि इस तरह की चीज़ें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ अगर आपके पास रिपेयर करने के लिए आए, तो सबसे पहले इसके अंदर फॉल्ट क्या हुआ है जो कस्टमर है उनसे आपको पूछ लेना है। तो जिस तरीके से इसके मतलब ये जो स्टेबलाइजर है, ये मेरे पास कस्टमर ने बोला है कि चलते चलते बहुत ज़ोर से ब्लास्ट की आवाज़ आ रहा था, मतलब इसके अंदर कुछ ब्लास्ट हुआ है जिसके वजह से बहुत ज़ोर से आवाज़ आई थी। तो मैंने इसका जो फ्यूज है चेक करके देखा, तो फ्यूज बिल्कुल सही है, देख सकते हो 10 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको जल गया दिख रहा होगा, लेकिन ये फ्यूज बिल्कुल ओके है क्योंकि ये ज़्यादा एम्पियर का है। तो एक बार चेक करके दिखा देता हूँ मैं इस फ्यूज को, ताकि आपको पता चले कि ये फ्यूज अच्छा है कि नहीं है। देख सकते हो बीप आवाज़ आ रहा है, और इसका मतलब है ये फ्यूज बिल्कुल ओके है। और उसके बाद हम इसको खोल के देखेंगे कि इसके अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ है, और प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफाई करने के बाद हम इसको रिपेयर कैसे करेंगे, उसको भी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। तो जल्दी से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हो, इसको खोलने के बाद हम पहले देखेंगे कि ब्लास्ट जो आ रहा था इतना देर से, इतना बहुत ज़ोर से ब्लास्ट हुआ था, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर फटा हुआ है। तो देखिए सारे कुछ यहाँ पे, जो इस साइड तो सही से है, लेकिन इस साइड आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक कैप्सिलर लगा हुआ था जो कि ब्लास्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो एक कैप्सिलर बहुत ही ज़ोर से आवाज़ आ रहा था, कह रहा था। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे जो एक कैप्सिलर लगा हुआ था आप यहाँ पे देख सकते होंगे, तो इसका जो वैल्यू है इसको निकालने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो चलिए इस बोर्ड को हम पहले निकाल लेता हूँ यहाँ से, और उसके बाद हम इसको खोल के दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये ब्लास्ट क्यों हुआ था। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो बोर्ड है गाइस, इसमें डीसी वोल्ट आते हैं, और डीसी वोल्ट आने के बाद जो कट आउट का जो ये जो रिले है, रिले को एक्सचेंज करने के लिए ये जो छोटा सा एक किट है ये यूज़ किया जाता है, इसको बोलता है स्टेबलाइजर किट। अगर आप इसको मार्केट में परचेस करने जाओगे तो आपको बोलना होगा स्टेबलाइजर किट आप दे दो, तो आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो इसको हम रिपेयर कैसे करेंगे, चलिए और भी देखेंगे कि इसके अलावा और कुछ चीज़ खराब हुआ है कि नहीं, एक एक चीज़ हम चेक करेंगे मल्टीमीटर के ज़रिए। तो चलिए हम इसको पहले खोल लेता हूँ। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो, हम किट को खोल चुका हूँ, और किट को आप देख सकते हो पूरा काला काला हो चुका है क्योंकि ये बहुत दिन हो चुका है इसलिए। और इस पीसीबी का जो बिल्ड क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छा नहीं है, जो मटेरियल है ये भी घटिया कंपनी का है। तो अगर आप नया स्टेबलाइजर बना रहे हो तो ध्यान में रखिएगा, ये जो किट है ये अच्छा वाला लगाइएगा ताकि ये ज़्यादा दिन टिके। और देख सकते हो यहाँ पे इतना ज़ोर से ब्लास्ट हुआ है, चिथरे उड़ गया है इसका। तो सबसे पहले हम इसको बाहर निकाल लेता हूँ इस साइड से, और उसके बाद हम आसपास जो डायोड वगैरह लगा हुआ है हम उसको चेक करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हमारा बात यही होता है कि इसको बाहर निकालना, तो चलिए हम इसको बाहर निकालते हैं बहुत ही आसानी से, ध्यान से हम निकालेंगे। देख सकते हो कितने आसानी से ये निकल गया है, और इसका जो वैल्यू है 25 वोल्ट एंड 220 माइक्रोफैरड का है, 220 माइक्रोफैरड एंड 25 वोल्ट का है। तो चलिए हम सेम वैल्यू का कैपेसिटर जो हम लगाएंगे, जैसे आप देख सकते हो इसका वैल्यू 220 माइक्रोफैरड एंड 25 वोल्ट। तो चलिए हम सेम वैल्यू का हमें कोई कैपेसिटर मिल रहा है कि नहीं, और नहीं मिला तो हम देखेंगे कि इसके जगह पे हम कौन सा लगाएंगे। तो गाइस ये रहा मेरा कैपेसिटर का बॉक्स, और यहाँ पे देख सकते हो 220 माइक्रोफैरड एंड 25 वोल्ट का जो कैपेसिटर है यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे और उसके बाद हम यहाँ से निकालेंगे, जैसे कि देख सकते हो ये, और इसका वैल्यू एक बार देख सकते हो आप 220 देख सकते हो, बहुत ही आसानी से आपको दिख रहा होगा इसका वैल्यू, और देख सकते हो 220 माइक्रोफैरड एंड 25 वोल्ट। तो इस जगह पे हम इसको लगाएंगे,
तो मेरा जो कैसेट का बॉक्स है इसको साइड में रखता हूँ, और उसके अलावा साइड में एक डायोड लगा हुआ है और इस डायोड को भी हम चेक करेंगे। देख सकते हो यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है ये पूरा, इसको भी जो आसपास का चीज़ है ख़राब हो चुका है। तो चलिए इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकालने के बाद हम इसको मल्टीमीटर के ज़रिए इसको चेक करेंगे। ध्यान में रखिए गाइस, इस तरह की चीज़ें जब आप निकालोगे तो ये बहुत ही हीट होता है, इसलिए ध्यान से निकालना इस तरह की चीज़ें। देख सकते हो ये बहुत ही आसानी से निकाल गया है, और ये जो डायोड है इसका मतलब जंग लग चुका है, और इसका वैल्यू भी हमें नहीं दिख रहा होगा, शायद ये 4007 का ही होगा। तो इसके जगह पे हम नया वाला डायोड लगाएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेबलाइजर ठीक होता है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ था इसके जगह पे हम इसको लगाने वाला हूँ, ये नया वाला डायोड है। तो चलिए सबसे पहले हम डायोड को लगाएँगे, और उसके बाद हम लगाएंगे कैपेसिटर को। तो चलिए हम जहाँ पे इसे डायोड था वहीं पे मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसको ठीक करके। तो हमने सही सलामत डायोड को यहाँ पे लगा दिया हूँ, अब बढ़ जाते हैं कैपेसिटर को लगाना। तो गाइस में एक बात चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहीं पे भी आप इंस्टॉल करोगे तो आपको पोलारिटी का ध्यान में रखना होगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे जो आपको एक बॉर्डर दिख रहे होंगे, ये नेगेटिव साइड है और इस साइड पॉजिटिव साइड है, तो ये हो गया इसका पोलारिटी। और उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो एक जो इसका लेग है बड़ा है और एक छोटा है, तो छोटा वाला जो लेग है ये हो गया हमारा नेगेटिव साइड और बड़ा वाला हो गया हमारा पॉजिटिव साइड। तो चलिए हम उसी तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हो ये जो ट्रैक है ये हमारा ट्रैक हो गया नेगेटिव साइड और ये हो गया हमारा पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पे जो होल था वो बंद हो चुका है, तो सबसे पहले इसको हम क्लियर करेंगे आयरन के ज़रिए। और उसके बाद हम इसको इंसर्ट करेंगे। तो चलिए गाइस हमने सही सलामत ये जो कैपेसिटर है इसको इंसर्ट कर दिया हूँ, आप बाड़ी आते हैं गाइस इसको सही से हमें सोल्डर करना है, और सोल्डर करने के लिए हम अच्छा वाला सोल्डरिंग जो लीड है इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें अच्छे से सोल्डर हो जाता है। अगर आप इस तरह के सोल्डर आप लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके ले सकते हो, क्योंकि इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और जल्दी से ये जो लीड है यानी कि टिप है ये ख़राब नहीं होता है। तो देख सकते हो हमने सही सलामत रिप्लेस कर दिया हूँ। और उसके अलावा हम और भी कुछ देखेंगे इसके अंदर, यहाँ पे जो रिले लगा हुआ है जैसे कि देख सकते हो, तो एक बार हम रिलों को चेक करेंगे, मतलब ऊपर से ओवर व्यू देखेंगे इसका, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि रिले में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुआ है। एक बार हम टेस्ट कर लेंगे इसको लगाने के बाद सीरीज लाइन में, और आप उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो इस जो बोर्ड है इसको हम लगा देता हूँ, और उसके बाद हम इसको चेक करके देखेंगे कि ये हमारा स्टेबलाइजर काम कर रहा है कि नहीं। सो गाइस हमने सही सलामत सारे कुछ हमने बदल दिया हूँ, और अब इसको हम एसी लाइन पे लगाएंगे 230 वोल्ट पे, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे लाइन आ चुका है जो ग्रीन LED जल रहा है, देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन LED जलना स्टार्ट हो गया है, और हमारा वोल्टेज अभी चेक करेंगे देख सकते हो 200 वोल्ट है अभी, मतलब ये हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। इससे पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे तो ग्रीन LED आ रहा था लेकिन हमारा यहाँ पे वोल्टेज नहीं बढ़ रहा था, जैसे देख सकते हो अभी बिल्कुल ओके हो चुका है। और इसके बाद हम इसको पैक करके भेज देंगे। और एक चीज़ गाइस, इसके अंदर और क्या क्या कुछ खराब हो सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर ना उठे तो यहाँ पे जो एक पुश स्विच लगा हुआ है ये भी ख़राब होने से हमारा प्रॉब्लम आ सकती है, और उसके अलावा रिले भी ख़राब होता है इस स्टेबलाइजर के अंदर। और ये जो यहाँ पे वोल्ट मीटर दिख रहे होंगे AC DC वोल्ट मीटर, ये मीटर ख़राब होने से भी हमारा ये वोल्टेज नहीं दिखाता है, और आउटपुट में भी हमें वोल्टेज नहीं मिलता है।
तो इस सारे चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होगा इस स्टेबिलाइजर को रिपेयरिंग करने के लिए। आई थिंक गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक स्टेबिलाइजर को रिपेयरिंग करने के लिए कौन कौन सा चीज़ ध्यान में रखना होगा और किस तरह से आपको रिपेयर करना होगा। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने सारे टेक्नीशियन दोस्तों के साथ, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको जो प्रोसेस है अच्छा लगा है कि नहीं।